आज का टेस्ट सीरीज 21 यह सेट रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। इसके अंतर्गत 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक क्या है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार साल 2018 के लिए किसे दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ओल्गा तोकाजुक को। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा सी गंगा कार्य योजना, जो 1981 में सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा 1985, गंगा कार्य योजना 1985 में हुआ था, आरंभ किया गया था। और प्रश्न नंबर तीन कि किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने का अनुमति दी है। तो यह कौन देश है। तो यह देश हो जाएगा सऊदी अरब, जो महिलाओं को सेना में पहली बार शामिल होने के लिए अनुमति दिया है। तो प्रश्न नंबर चार, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यूक्रेन के 10वें संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा सी चीन के साथ। तो प्रश्न नंबर पाँच, अलमाटी बांध किस नदी पर है। प्रश्न नंबर पाँच के उत्तर हो जाएगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी, उत्तर सी। प्रश्न नंबर छः है कि किस देश के सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है। तो छः का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी कर फैसला लिया है। प्रश्न नंबर सात है कि नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की है। साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इथोपिया के प्रधानमंत्री को। प्रश्न नंबर आठ क्या है कि नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब लॉन्च किया है। तो यह हो जाएगा आठ के उत्तर हो जाएगा सी यूएनडीपी ने मिल करके। प्रश्न नंबर नौ है, भारत के उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई समताप रेखा क्या है। तो नौ के उत्तर क्या होगा कि भारत में इसका उत्तर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। भारत में उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभिन्न समताप रेखा कितना है, 18 डिग्री। प्रश्न नंबर 10 है, 10 क्या है कि 150 ईयर ऑफ द सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीका लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 के उत्तर हो जाए सी फकीर हसन, इसका लेखक है फकीर हसन। प्रश्न नंबर ग्यारह कि लोकहित मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का आरंभ हुआ था। लोकहित मुकदमे पब्लिक संकल्पना का आरंभ कहाँ हुआ था। तो 11 के उत्तर हो जाएगा सी यूनाइटेड स्टेट में। प्रश्न नंबर 12 है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलांडर और किस बौद्ध भिक्षु के संबंध हैं। तो 12 के उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो में राजा भिक्षु और नागसेन का संबंध था। 13 के उत्तर है कि निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण से। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है।
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। प्रश्न नंबर 15, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित किस नदी का वर्णन मिलता है? तो 15 के उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रश्न नंबर 16 है कि 1992 के सारा बंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सारा बंदी का नेतृत्व किए थे। प्रश्न नंबर 17 है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा आयन मंडल। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो 18 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो 19 का उत्तर, इसका उत्तर होगा गंधार मूर्तिकला में। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो 20 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? प्रश्न नंबर 21 है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? तो 21 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की ज़रूरत है। परिस्थितिकी समुच्चय में गेहूं विश्व का मुख्य खाद्य फसल है और देश में गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। और गेहूं है रबी का फसल, गेहूं को रबी फसल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो 22 के उत्तर हो जाएगा चाय। प्रश्न नंबर 23, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध के कारण क्या है? लहसुन में जो गंध होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है सल्फर का यौगिक। प्रश्न नंबर 24, पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में। पित्तपिंड कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। लौंग। प्रश्न नंबर 25, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इसका उत्तर हो जाएगा यूजेनॉल, लौंग के तेल का घटक है। लौंग का कली को मसाला में प्रयोग किया जाता है, यानी लौंग का फूल को मसाला में प्रयोग किया जाता है, और लौंग को वनस्पति नाम सिजिलियम एरोमेटिकम है, सिजिलियम एरोमेटिकम। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? अधिकतम मान किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अधिकतम मान होता है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 150 किलो जूल प्रति ग्राम, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। और उसके बाद हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और हाइड्रोजन का उपयोग उच्च ताप प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में गैस ज्वलक में भी होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या है कि किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो 27 के उत्तर हो जाएगा बी, केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 28,
निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? कौन इसमें इन उत्तरों में कौन सा एक गलत है? तो पहला क्या है कि पॉलिश पर बढ़िया इस पर बढ़िया पॉलिश है, और बी है कि ये अखंड है, और सी है स्तंभ का शाफ्ट शूंडाकार है, और डी ये स्थापत्य संरचना का भाग है। तो 28 के उत्तर देखेंगे, 28 का उत्तर हो जाएगा डी, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये गलत दिया हुआ है, लेकिन इन पर बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, सही है, ये तीनों सही है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है कि स्थापत्य संरचना का भाग है, लेकिन अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को देश का राज चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया है जो सारनाथ में स्थित है। और प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इन इनमें से कौन 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 से जगह कागज बनता है? तो 29 के उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा यमुनानगर और गुवाहाटी और चौथा बलारपुर। यमुनानगर, गुवाहाटी और बलारपुर में कागज़ का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? 30 के उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मैमत संप्रदाय जो था वह प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मैमत संप्रदाय प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, और पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, और प्रश्न नंबर 31 है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आइकॉन नामक उपग्रह लॉन्च किया है? आइकॉन नामक उपग्रह कौन अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासा ने आइकॉन नामक। प्रश्न नंबर 32, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 2019 सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया है? 2019 सरस आजीविका मेला किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 32 का उत्तर हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश में ऑनलाइन अप्रिय भाषण के खिलाफ कानून लाया गया है? 33 के क्या है? प्रश्न नंबर 33 है कि किस देश में ऑनलाइन अप्रिय भाषण के खिलाफ कानून लाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी का डी में इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। प्रश्न नंबर 34 क्या है कि धर्म गार्डियन अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ किया जाएगा? तो 34 का उत्तर हो जाएगा जापान के साथ। प्रश्न नंबर 35, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह सूफी संत कौन है? 35 के क्या है उत्तर? तो इसका उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी जिन आश्रम में रहते थे उन्हें खानका कहा जाता था, और बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, और इसी तरह हजरत निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद थे, और मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, और उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी जिसका मुख्य केंद्र अजमेर में था। प्रश्न नंबर 36 का है कि अपूर्वी चंदेला, खाली जगह भरना है इसमें, अपूर्वी चंदेला इन खेलों में से किससे संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला क्या है? 36 के निशानेबाजी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु इसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो 37 के उत्तर हो जाएगा डी, राज्यों के विधानसभाएं डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु इसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो 37 के उत्तर क्या होगा? 37 के उत्तर हो जाएगा डी, राज्यों के विधानसभाएं भाग है, भारत के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु इनके राज्यों के विधानसभाएं अभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, राज्यसभा जो है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है, और लोकसभा संसद का निम्न सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन और इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। और विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है, इसका कार्यकाल 6 साल के। प्रश्न नंबर 38 क्या है कि घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूलतः किस श्रेणी में होता है। इसको किस श्रेणी में, मतलब घर में वायरिंग किस श्रेणी में होता है, यही पूछ रहा है। इसका 38 के उत्तर हो जाएगा समांतर श्रम संबंधन में, यानी समांतर श्रेणी में। प्रश्न नंबर 39 का है कि भारत में ड्रग्स नारकोटिक ड्रग्स को नियंत्रित करने हेतु हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो 39 का उत्तर हो जाएगा थाईलैंड के साथ। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस किस के योग से सुलभ मुद्रा बनती है। तो 40 का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा 40 का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। क्या क्या? तो जनता के पास मुद्रा, बैंकों में मांग जमा राशि और बैंकों में अवधिक जमा राशि से, और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि से। देखते हैं, जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य में प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, तब उसे मुद्रा भ्रम कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है, उसे कठोर मुद्रा कहा जाता है। और क्या है कि साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। वही विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, वह कौन है। तो मध्यकालीन भारतीय लेखक ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा 41 के अबुल फजल। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत, मतलब 42 के उत्तर हो जाएगा डी, मास्की। लघु शिलालेख में अशोक को व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 43, अब मास्की, गुर्जरा और अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वही पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, और अशोक के शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसका। तो 43 का उत्तर हो जाएगा समान रेखा मानचित्र का, 43 का उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, वाशिंग मशीन कौन सिद्धांत पर काम करता है, वाशिंग मशीन। तो 44 का उत्तर हो जाएगा क्या, 44 का उत्तर हो जाएगा वाशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रण। और इसका आविष्कार किसने किया था, वाशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मिशन कंपनी ने की थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 45, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन कैसा पदार्थ है। तो 45 का उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, प्रतिजन प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, परिवर्तित करता है। और रक्त समूह ओ के व्यक्ति में कोई प्रतिजन नहीं रहता है। और लैंड स्टीनर व बीनर ने रुधिर के एक अन्य प्रकार का प्रतिजन का पता लगाया था। ए तथा बी ग्रुप के रक्त कोशिकाओं में प्रतिजन पाया जाता है, लेकिन ओ ग्रुप के व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 45, 45 प्रश्न क्या है कि प्रश्न नंबर 46, हाउ टू एवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, क्या है, कौन सा पुस्तक है कि हाउ टू एवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू एवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक। तो 46 का उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स। प्रश्न नंबर 47, भू परपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो 47 का उत्तर हो जाएगा, कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भूपर्पटी पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 47 के सिलिकॉन। अब 47 के देखते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं जो 34 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी है और सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सियाल क्षेत्र में क्या क्या मिलता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और वही सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। और भूपर्पटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.80%, और दूसरा सिलिकॉन 27.72%, और तीसरा एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के बहुत समीप है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और पृथ्वी के नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रोक्सीमा सेंचुरी पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है जो अल्फा सेंटोरी समूह का तारा है। प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें क्या है? सब्सिडी है, दूसरा में ब्याज भुगतान है, तीसरा में रक्षा व्यय है, और चौथा में पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय है। तो 49 का उत्तर देखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। क्या क्या आता है? योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं तो सब्सिडी आता है, ब्याज भुगतान आता है, रक्षा व्यय आता है, और पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय भी आता है। प्रश्न नंबर 50 है कि छिछले हैंडपम्प से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखे इन विकल्प में कौन सी बीमारी होती है? जो नीचे विकल्प में लिखा गया है, जैसे हैजा, टाइफाइड, कमला के, फ्लोरोसिस, इनमें कौन सी बीमारी होती है छिछले हैंडपम्पों से पानी पीने वाले लोगों को? तो 50 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। हैजा ब्रिबियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है जो मक्खियों द्वारा फैलता है, और फ्लोरोसिस रोग फ्लोराइड की अधिकता से होती है। वही टाइफाइड के आंत के बुखार कहते हैं, टाइफाइड को क्या कहते हैं? आंत के बुखार कहते हैं, और फ्लोरोसिस तो हो गया। प्रश्न नंबर 51। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो 51 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति का नारा दिया। इन्होंने जनता पार्टी का गठन भी किया था। और क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी प्रश्न नंबर 52। पाक खाड़ी किनके बीच है? तो मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है पाक खाड़ी। प्रश्न नंबर 53। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक समान क्रियाशील प्रोटीन के उपयुक्त मैंने दैनिक कितना मात्रा होना चाहिए प्रोटीन का? तो 53 का उत्तर हो जाएगा 46 ग्राम। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 46 ग्राम। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलिन ने किया था। प्रश्न नंबर 54 है कि इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? इंडियन स्पोर्ट 2019 का, तो 2019 का इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह को दिया गया है। प्रश्न नंबर 55 है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक की बात संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया जा सकता है? तो 55 का उत्तर होगा अनुच्छेद 50 में दी गई है। और अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण की बात का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है।
और अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता की उपबंध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या है कि ओजोन परत के विनाश का कारण क्या है? ओजोन परत का विनाश का कारण क्या है 56 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी। 56 का उत्तर हो जाएगा डी। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अणुसूत्र HgO है, यह मलहम तथा जहर के रूप में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 57, 1868 में किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था? 57 का उत्तर हो जाएगा डी, हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। प्रश्न नंबर 58 है, द्रव्यों को उछाल संबंधी नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो 58 का उत्तर हो जाएगा बी, आर्कमिडीज ने। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस 59 के उत्तर हो जाएगा बी, 29 जून को। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? 60 के उत्तर क्या होगा? 60 के उत्तर हो जाएगा सी, 60 अशांति के जनक। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 60 के उत्तर हो जाएगा सी, लोकमान्य तिलक। तो भारत में अशांति का जन्मदाता इनको माना गया है, और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 61 है कि शिवाजी के अष्ट प्रधानों में अमात्य किस प्रधान का प्रभारी था? अमात्य, छत्रपति शिवाजी के अष्ट प्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आय व्यय का हिसाब रखने वाले का विभाग का अमात्य बोला जाता था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो 62 का उत्तर हो जाएगा सी, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का है। गंगा नदी का संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। प्रश्न नंबर 63, तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? तो 63 के उत्तर हो जाएगा पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब, क्या होता है? तो 64 के उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 64, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब, जब क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल होता है तथा अन्य स्रोतों की पूर्ति न कर पाता है, तब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ महसूस होती हैं, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसका हो जाएगा ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए समानता मुद्रा छापे जाते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। और भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 में समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 65 है कि नीचे दी गई वस्तु कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? इन विकल्पों में कौन ऐसा है जिस पर केंद्रीय, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 के, चावल उत्पादन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 66 है कि भारत की मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन का अधिकार किसे है? तो 66 के उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो 67 के उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा परिवहन, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 68, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठन किया गया था, किसका गठन किया गया था? 1956 द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तथा कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 263 में मिलता है,
और वही अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त कितना 1952 को हुआ था। प्रश्न नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत किसको माना जाता है, तो 69 के उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। 69 के उत्तर हो जाएगा डी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्र में द्विशातमक विधायिका की स्थापना की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 70, सन 1931 में भारतीय क्रांतिकारी आतंकवाद के 3 प्रमुख नेताओं को फांसी दी गई थी। भारतीय क्रांतिकारी के आतंकवाद के 3 प्रमुख नेताओं को फांसी दी गई थी, निम्नलिखित में से कौन कौन थे, 70 के उत्तर चुनिए। तो इसमें है ऑप्शन में भगत सिंह, दूसरा राजगुरु, तीसरा सुखदेव और चौथा सूर्य सेन। तो 70 का उत्तर हो जाएगा डी, सूर्य सेन। 1931 में भारतीय क्रांतिकारी आतंकवाद के 3 प्रमुख नेताओं को फांसी दी गई थी, उनमें से सूर्य सेन नहीं थे। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह को और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और जिंदा और इन्हें सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। लेकिन सूर्य सेन ने चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 71 है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों, तो 71 का उत्तर हो जाएगा बी, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है इसलिए पानी आयनिक है। अम्ल तथा भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है और साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड एक लवण है जिसका उपयोग खाने के रूप में तथा अचार में किया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 क्या है कि तिब्बत की पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। 72 का तो तिब्बत की पठार को समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं 4 किलोमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 73 चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 74 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे ले करके रहूँगा, तो 74 के उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा बनारस अधिवेशन 1905 में, बनारस अधिवेशन में इन्होंने बोला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। यह कब, 1916 ईस्वी में तिलक ने स्वशासन को प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का उद्देश्य था कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 75 है कि लोकसभा का नेता निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है, तो 75 का उत्तर क्या होगा, 75 का उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता समझा जाता है या फिर नेता होते हुए प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत आवश्यक होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो भारत में। प्रश्न नंबर 76 है कि सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था, तो 76 का उत्तर क्या होगा, 76 का उत्तर हो जाएगा पिकनस ने गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया था। हैनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 77 बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 77 का उत्तर क्या होगा, तो 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 78 क्या है कि निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करना यानी मिलान करना है 78 को। 78 है कि कौन सही सुमेलित नहीं है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 78 के, हुमायूं नामा हुमायूं, ये सही नहीं है। बाकी तुजुके बाबरी बाबर द्वारा लिखा गया था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था, और अकबर नामा को अबुल फजल ने लिखा था। हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और बाबर मुगल वंश के संस्थापक था। इन्होंने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना, जिसकी फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। प्रश्न नंबर 79, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक 79 के उत्तर हो जाएगा मैडम ब्लाटस्की। अठारह सौ 75 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट को जाता है, लेकिन भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास के समीप अडयार में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1882 में किया गया भारत में। प्रश्न नंबर 80 है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि 80 के क्या होगा उत्तर? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन के आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरे द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के समक्ष स्वशासन की एक नई और ठोस योजना प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 81 है, क्या है प्रश्न नंबर 81? कि भारत में आर्थिक विकास का अवरोध है, भारत में आर्थिक विकास का अवरोध रहा है, वह कौन मुख्यालय है? जो आर्थिक विकास का अवरोध रहा है वह मुख्यालय कौन है, मुक्ता कौन है इसमें से? भारत में आर्थिक विकास का अवरोध रहा है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो 81 का उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। पहला है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, और दूसरा अनियमित औद्योगिकरण के कारण भी आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, और तीसरा पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण ही आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी। एक्टियोमीटर क्या है? 82 के उत्तर क्या होगा? एक्टियोमीटर क्या है? तो 82 का उत्तर होगा कि एक्टियोमीटर सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, और वायु में गैसों का भार व घनत्व मापने वाला यंत्र को एरोमीटर कहा जाता है। एरोमीटर किसको कहा जाता है? वायु में गैसों का, वायुयान की चाल की वृद्धि मापने वाला यंत्र को एक्सीलरोमीटर कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाला यंत्र को एक्यूमुलेटर। प्रश्न नंबर 83 क्या है? कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्तकालीन मंदिर निर्माण के कला में कौन सा कथन सही नहीं? इनमें जो ऑप्शन में दिया गया, इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 83 के, इस काल के मंदिर में शिखरों का प्रयोग बहुत होता था, यह गलत है। इस कला में मंदिरों की ऊंचाई प्राय कम होती थी और छतें सपाट होती थी, यह सही है। और दूसरा बी, इस काल में मंदिरों के भवन पत्थरों व छोटी छोटी ईंटों से बनते थे। और तीसरा, मंदिरों का विभाजन दो खंडों में होता था, गर्भगृह और मंडप में। 84 के प्रश्न नंबर 84 है, बिहार में कांटी ताप विद्युत उत्पादन और वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? तो 84 के उत्तर क्या होगा? बिहार में कांटी ताप विद्युत उत्पादन और वितरण का स्वतंत्र दायित्व मुजफ्फरपुर का था। प्रश्न नंबर 85, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? 85 के उत्तर क्या होगा? 85 के उत्तर होगा कि शिवहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, क्योंकि छोटा जिला है तो इसका जनसंख्या घनत्व होगा ही। रसीदी टिकट किसकी रचना है? तो 86 के उत्तर होगा रसीदी टिकट, इसका उत्तर हो जाएगा 86 के, अमृता प्रीतम की रचना है।
प्रश्न नंबर 87, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो 87 का उत्तर क्या होगा? इस विश्व का सबसे कोटोपैक्सी। पूर्व जन्म का द्योतक क्या है? किसका द्योतक है पूर्व जन्म? किसका द्योतक है पूर्व जन्म? तो 88 का उत्तर हो जाएगा विकास का द्योतक, नए तकनीक और विकास का द्योतक है पूर्व जन्म। प्रश्न नंबर 89, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? 89 का उत्तर क्या होगा? सहारा मरुभूमि विश्व के सबसे विशाल मरुभूमि है। 90, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का। और प्रश्न नंबर 91 है कि फॉलिक अम्ल किस धातु का अपचयन में सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉलिक अम्ल किस अपचयन में सहायक है? तो 91 का उत्तर हो जाएगा लोहा। प्रश्न नंबर 92, पाब्लो पिकासो की कला शैली क्या नाम है? पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूबिज्म। क्यूबिज्म पाब्लो पिकासो की क्यूबिज्म शैली नाम से भी जाना जाता है। और पाब्लो पिकासो स्पेन का चित्रकार था जिसकी कला शैली को क्यूबिज्म कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93, लीची उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान है। प्रश्न नंबर 94, ईख के पौधे प्रायः कायिक प्रबंधन द्वारा संवर्धित करने के क्या कारण है? तो 94 का उत्तर हो जाएगा अनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। प्रबंधन कायिक प्रबंधन के द्वारा अनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। और ईख का जन्म भूमि भारत को माना जाता है। और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। और चीनी विकास कोष की स्थापना 1982 में किया गया था। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना किया गया था। 20 अगस्त 1998 में सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। और देश में चीनी की सबसे अधिक मिलें महाराष्ट्र में हैं। प्रश्न नंबर पंचानवे है कि स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएँ उत्पन्न की जा सकती है? तो 95 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ये किसी भी प्रकार की कोशिका उत्पन्न की जा सकती है। स्टेम सेल द्वारा किसी प्रकार की कोशिका उत्पन्न की जा सकती है। 4 जून 2004 को ब्रिटेन में प्रथम स्टेम सेल बैंक की स्थापना हुई थी। स्टेम सेल बैंक को भ्रूण का बैंक कहा जाता है। और भारत में नागपुर तथा पुणे के वैज्ञानिक केंद्र पर स्टेम सेल का ऊपर शोध चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है या फिर येलो नदी के नाम से जाना जाता है? तो 96 का उत्तर क्या होगा? तो 96 का उत्तर हो जाएगा हांगहो नदी को पीली नदी या फिर येलो नदी के रूप में जाना जाता है। वही पीली नदी की लंबाई कितनी है? तो 4667 किलोमीटर। और सिकांग नदी के बारे में देखते हैं। तो सिकांग नदी क्या है? मिकांग नदी की कुल लंबाई 4023 मीटर। और मिकांग नदी की लंबाई चीन सागर में गिरती है जाकर के। मिकांग तिब्बत की पठार से निकलती है। यह नदी चिहिल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 97, महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? असहयोग आंदोलन वापस चौरा चोरी कांड के कारण लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चौरा चोरी कांड के हिंसक घटनाओं के कारण। प्रश्न नंबर 98, स्टेनलेस स्टील कैसा पदार्थ है? तो 98 का उत्तर हो जाएगा ए, धात्विक मिश्रण का पदार्थ है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तथा निकल रहता है जो जंग प्रतिरोधक होता है। इसका उपयोग बर्तन तथा शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 99, पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो 99 का उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। और सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम और सीमा क्षेत्र में क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। वही भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8% और सिलिकॉन 27.72% और एल्युमिनियम कितना 8.13% है। प्रश्न नंबर 100 के, ग्रीष्मकालीन मानसून क्षेत्र के सर्वप्रथम पहुँचाता है क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचाता है? तो 100 का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। क्या है कि ग्रीष्मकालीन मानसून के अरब सागर शाखा पहले चलती है और शक्तिशाली है और पश्चिम घाट पर पार करने में उसकी शक्ति घट जाती है। अधिकतर वर्षा पश्चिमी घाट पर ही हो जाती है और बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा अरब सागर की अपेक्षा कुछ देर आती है, पर इसमें देश में अधिकतर भागों में वर्षा होती है। इससे मेघालय के
पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है।